फ्रेंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज से मैं ऑटोकैड 2019 का ट्यूटोरियल स्टार्ट करने वाला हूँ। ओके सो सबसे पहले देखते हैं ऑटोकैड 2019 या ऑटोकैड का कोई सा भी वर्जन स्टार्ट कैसे करते हैं। ओके तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, जो आपको डेस्कटॉप के ऊपर आइकॉन होगी इस पर डबल क्लिक करना है या फिर इसके ऊपर राइट क्लिक एंड ओपन। ओके सेम प्रोसेस है। ओके उससे पहले जान लेते हैं कि ऑटोकैड अगर आपके पीसी में इंस्टॉल्ड नहीं है तो उसे इंस्टॉल्ड कैसे करना है, उसे डाउनलोड कैसे करना है। ओके तो आपको डाउनलोड करने के लिए दो तीन तरीके हैं। तो सबसे पहला है कि आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट ऑटोडेस्क के ऊपर जाएं और यहाँ पर रजिस्टर्ड करें और एज ए स्टूडेंट डाउनलोड कर लें, एज ए स्टूडेंट वर्जन डाउनलोड कर लें। ठीक है तो यहाँ पे सबसे पहले अगर आपके पास अकाउंट नहीं है तो यहाँ पे आप क्रिएट अकाउंट के ऊपर जाओगे और यहाँ पे सारी जो रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है उसे फिल करोगे एंड क्रिएट करोगे। ठीक है अगर आपके पास अकाउंट है ऑलरेडी तो आप यहाँ पे साइन इन करोगे। ठीक है पासवर्ड इंटर एंड साइन इन। ठीक है ओके तो इसके बाद आपके पास जो यहाँ पे एक विंडोज ओपन होगा इसके ऊपर लिखा हुआ होगा मैनेज प्रोडक्ट एंड डाउनलोड। तो आप यहाँ के ऊपर जाओगे इसके ऊपर जाने के बाद यहाँ पे ऑल प्रोडक्ट एंड सर्विस के ऊपर जाओगे। तो यहाँ से आप स्टूडेंट लाइसेंस का जो भी वर्जन अवेलेबल होगा यहाँ पे। दूसरा तरीका है जो कि है आई गेट इनटू पीसी। ओके ये टाइप करोगे आई गेट इनटू पीसी, आपके पास फर्स्ट वेबसाइट जो आएगी उसे ओपन करना है और यहाँ पे आपको सर्च बॉक्स के ऊपर जाना है और यहाँ पे टाइप करना है ऑटोकैड 2019। ओके तो आपके पास यहाँ पे 2019 वर्जन्स आ जाएंगे, आपको जो भी चाहिए आप उसे डाउनलोड कर सकते हो। उसके लिए आपको यहाँ पे क्लिक करने होगी। ओके डबल क्लिक करनी है, यहाँ पे डबल क्लिक करने के बाद आपके ओवरव्यू ओपन होगी। ठीक है यहाँ से आप किसी एक के ऊपर डाउनलोड पे क्लिक कर, जैसे आपके पास 32 बिट है तो आप 32 बिट डाउनलोड करोगे, आपके पास 64 बिट है तो आप यहाँ से 64 बिट डाउनलोड करोगे। ओके और फिर उसके बाद अगर आप 19 कैसे इंस्टॉल्ड एंड कैसे एक्टिवेट करते हैं तो उसके लिए आप हमारा वीडियो वॉच कर सकते हो जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन के ऊपर दे दूंगा। ओके तो अब मैं पॉइंट पे आता हूँ। तो ऑटोकैड ओपन करने के बाद 2019 ओपन करने के बाद समथिंग आपका ऐसा इंटरफेस दिखेगा, तो जिसके अंदर आपका फर्स्ट ऑप्शन है गेट स्टार्ट। ओके गेट स्टार्ट यहाँ से आप इस पर क्लिक करके न्यू ड्राइंग पेज ओपन कर सकते हो। ओके और दूसरी जो आपकी आती है रिसेंट डॉक्यूमेंट, रिसेंट डॉक्यूमेंट के अंदर आपने क्या क्या भी रिसेंट में ओपन किया है, क्या बनाया है, समथिंग वो दिखेगी। ओके इसके बाद यहाँ पे एक कनेक्ट, अगर आप यहाँ पे ऑटोकैड का आपके पास आईडी है आप यहाँ पे साइन इन करते हो तो आपको यहाँ पे क्लाउड मिलता है जिस जो कि अपने डेटा को आप पे सेव कर सकते हो। ओके इसके बाद एक नोटिफिकेशन का ऑप्शन है, यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन मिलेगी कि सॉफ्टवेयर के अंदर क्या अपडेट आया है, क्या अपडेट नहीं आया। ओके तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं ऑटोकैड को। तो यहाँ पे स्टार्ट ड्राइंग के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपके पास एक न्यू ड्राइंग पेज ओपन हो जाएगी, यहाँ पे आपको जो भी बनाना है आप वहाँ पे ये बना सकते हो। ठीक है तो उससे पहले अब हम लोग जान लेते हैं कि ऑटोकैड के ऊपर होता क्या क्या है। तो ऑटोकैड की सबसे पहली जो है यहाँ पे टूल बार जिसे हम रिबन बोलते हैं, तो पहला है ड्रॉ एंड सेकेंड है मॉडिफाई एंड इसके बाद है एनोटेट एंड लेयर एंड ब्लॉक प्रॉपर्टी एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ओके सबसे पहले हम ड्रॉ के बारे में जानते हैं। ड्रॉ के अंदर आपका वो टूल्स मिलते हैं जिसका यूज करके आप किसी भी ड्राइंग को बना सकते हो, लाइक लाइन, पॉलीलाइन, सर्कल, रेक्टेंगल, इनका यूज करके। और इसके बाद आपके आती है सेकंड मॉडिफाई, तो मॉडिफाई में आपको वो टूल्स मिलते हैं जिनका यूज करके आपने बनाया हुआ ड्राइंग को मॉडिफाई कर सकते हैं, यानी कि उसका कॉपी पेस्ट, मूव, ट्रिम, कट, जो भी करना आप यहाँ से कर सकते हो। यानी कि आपने जैसे एग्जाम्पल आपने एक लाइन बनाया, ठीक है,
और आपको मूव करना है। लाइन हमने कहाँ से बनाया? ड्रॉ पैनल से बनाया। वैसे लाइन के लिए कमांड भी होते हैं, तो मैं सारी वन बाई वन बताऊंगा। अब हमें लाइन को मॉडिफाई करना है, लाइक हमें लाइन को मूव करना है, कॉपी करना है, तो उसके लिए हम यहाँ से कॉपी लेते हैं, ओके इंटर, जहाँ भी कॉपी करनी है हम यहाँ पर कॉपी कर सकते हैं, ओके। तो ये इन दोनों का यूज हुआ। और उसके बाद आती है टेक्स्ट नोटेशन, जिसके अंदर टेक्स्ट डायमेंशंस वगैरह बहुत सारे टूल्स होते हैं। तो लाइक आपने लाइन बना लिया, इसको मॉडिफाई कर लिया, तो आपको नीड होगी ना डायमेंशंस की, कि हमें लाइन बनाई तो आखिर कितनी की बनाई और क्यों बनाई, तो इसके लिए आप यहाँ से डायमेंशन यूज कर सकते हो, ठीक है। तो मैं ये सारी चीज़ों को मैं आपको डिटेल में बताऊँगा नेक्स्ट वीडियो के ऊपर। अब इसके बाद बात करते हैं, यहाँ पर एक लेयर का है, जो कि लेयर ऑटो कैड ड्रॉइंग का ऊपर। अब बात करते हैं लेयर की, तो लेयर एक ऐसी इम्पॉर्टेंट है ऑटोकैड के अंदर, जिसके हेल्प से आप किसी भी टाइप का ड्राइंग को बहुत इजी तरीके से बना सकते हो और उसे शो कर सकते हो और उसे एडिट कर सकते हो बहुत ही इजी। अब इसमें लेयर में होता है, लेयर में लाइक आपने कोई बिल्डिंग का फ्लोर बनाया या बिल्डिंग प्लान बनाया, तो उसमें आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप का कलर से शो करना होगा समथिंग, ये डोर है, ये विंडो विंडो लाइक बात करता हूँ। ब्लॉक भी एक ऑटोकैड की बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है, लाइक आपने एक ड्राइंग बनाया, ड्राइंग की बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट से पार्ट्स हैं, तो उस डिफरेंट डिफरेंट पार्ट को आप एक ब्लॉक के अंदर रख सकते हो, ताकि आपको कट कॉपी पेस्ट करने में इजी हो और उस ब्लॉक को एक पर्टिकुलरली आप ओके। जो आपके ये डाउन साइड में दिख रही है, इसे हम कमांड बार बोलते हैं, ओके। कमांड बार का वर्क क्या होता है, लाइक आपने कोई भी कमांड टाइप किया तो आपको यहाँ पे डिनोट करेगा, लाइक हमने लाइन ड्रॉ करने के लिए एक लाइन टाइप किया, ओके तो आपको यहाँ पे डिनोट करेगा कि आपको करना क्या है। जैसे ये बोल रहा है लाइक फर्स्ट पॉइंट, तो फर्स्ट पॉइंट क्लिक किया, ओके तो आपको कमांड बार आपको ये डिनोट कर। अब बात करते हैं इस पैनल की, इस पैनल को हम लोग टॉगल बार बोलते हैं। टॉगल बार के अंदर बहुत सारे टूल्स होते हैं, लाइक आईएसओ ऑन ऑफ, ऑर्थो ऑन ऑफ, ग्रीड, जो आप एक ग्रीड देख रहे हो, तो ये इस टाइप के बहुत सारे टूल्स होते हैं। और दूसरी सेटिंग्स इसकी और बता दूं आपको, लाइक आपने यहाँ पे कुछ सेटिंग है जो कि आपके टॉगल बटन के ऊपर नहीं है और आपको वो सेटिंग्स को लाना हो, तो वो कैसे लाएंगे? जैसे यहाँ पे आप कस्टमाइज के ऑप्शन दिख रहे होगे ये थ्री लाइन के ऊपर, तो आपको इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से जो भी आपकी नीड है शॉर्टकट के लिए, तो आप उसे यहाँ पर ला सकते हो, ओके। अब बात करते हैं कि इस ड्राइंग को सेव कैसे किया जाता है। यहाँ पे लाइक यहाँ पे हमने एक लाइन बनाया, ठीक है, अब हमें इस ड्राइंग को सेव करना है, तो सेव करने के भी ऑटोकैड के अंदर दो तीन मेथड है। फर्स्ट आप यहाँ पे जाओगे, सेव एज कर लोगे, क्योंकि इसका पाथ होगा। जैसे डेस्कटॉप के ऊपर आते हैं, यहाँ पे 1 2 3 नेम दे देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे और आपने और भी कोई ड्राइंग बनाया, और भी आपने कोई लाइन खींचा, तो अभी से आपको सेव करना है। सेव करने के लिए पहला है क्यू एस, ठीक है, तो यहाँ से भी सेव होता है। और दूसरी है कंट्रोल एस, जो एज यूजुअल सारे लोग यूज करते हैं, ओके। अब मैं बात करता हूँ कि ऑटोकैड की ड्राइंग को प्रिंट कैसे लिया जाता है। तो प्रिंट लेने की भी दो मेथड है, तो यहाँ पर कंट्रोल पी भी प्रेस करने के बाद आपके पास प्रिंट की विंडोज ओपन होगी। और दूसरी ऑप्शन है जो कि यहाँ पर है, यहाँ पर प्रेस करोगे तो आपकी प्रिंट ओपन होगी, तो मैं यूज करता हूँ कंट्रोल पी, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे आती है प्रिंटर प्लॉट, तो आप यहाँ पे प्रिंटर की सेटिंग सेव कर सकते हो, कौन सी आपकी प्रिंटर है, ओके। और आप यहाँ से भी पीडीएफ कन्वर्ट कर सकते हो, ओके। और उसके बाद आते हैं यहाँ पे पेपर साइज, पेपर साइज जो भी आपको चूज करनी है, A3, A4, A1, A0, तो आपने यहाँ पे सेट करनी है। अब यहाँ पे आती है ये व्हाट टू प्लॉट, ये इंपॉर्टेंट है, लाइक यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं, तो बेसिकली जो मेरा फेवरेट है वो है प्लॉट विंडो। तो यहाँ पे विंडो के ऊपर जाता हूँ, तो यहाँ पे आपको प्लॉट करने का ऑप्शन मिलता है कि आपको कितनी कितनी एरिया चाहिए होता है, तो आप उस एरिया को प्लॉट कर लोगे एंड ओके, तो आपकी यहाँ पे प्लॉट आ जाएगी। अब यहाँ पे इसकी और भी है, यहाँ पे अगर आप फिट टू सेंटर, तो आप यहाँ पे सेंटर के ऊपर फिट कर सकते हो इसे, ओके। तो अभी फ़िलहाल मेरे पास यहाँ पे प्रिंटर ऐड नहीं है, तो ये प्रॉपर्टीज़ नहीं आ रही, नहीं तो इस प्रॉपर्टी के ऊपर भी आप A3, A1, A4 जो भी पेपर साइज सेलेक्ट करना है वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। अब यहाँ पे है सिंपली दो ऑप्शन और है, लैंडस्केप, तो यहाँ पे आप जो भी है जैसा आपको चाहिए, लैंडस्केप चाहिए, स्ट्रेट चाहिए, स्ट्रेट में आप प्रिंट कर सकते हो, ओके। उसके बाद आपको क्या करना है, क्लिक ओके,
तो यहाँ पे एक्चुअली मेरे पास कोई डिवाइस कनेक्टेड नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे क्लिक सेलेक्ट डिवाइस का ऑप्शन आ रहा है। ओके, तो फिर उसके बाद सिंपली ओके। तो ऑटोकैड के कुछ बेसिक्स जो आपको जाननी ज़रूरी थी ऑटोकैड ट्यूटोरियल स्टार्ट करने से पहले। नेक्स्ट वीडियो में मैं ड्रॉ पैनल को लूँगा और हर एक वीडियो में टू टाइप्स की कमांड्स को कवर करूँगा। जैसे मैं नेक्स्ट वीडियो में लाइन एंड पॉली लाइन को कवर करूँगा, इनसे जितनी भी टाइप की चीज़ें बनती है या कैसे यूज़ किया जाता है और कितने तरीके से यूज किया जाता है, ठीक है। इसके साथ साथ कुछ और बेसिक ड्राइंग जो कि आपको प्रैक्टिस के लिए नीड होगी मैं वो भी बताऊँगा, ठीक है। उससे पहले एक चीज़ और जान लेते हैं कि ऑटो कैड के ऊपर किस किस टाइप की ड्राइंग बन सकती है। तो जो पहला है वो लाइन ड्राइंग यानी कि 2D ड्राइंग बन सकती है। उसके बाद है 3D ड्राइंग, लाइक आपने एक बॉक्स बनाया, ठीक है। तो अगर आप 2D में इस बॉक्स को बनाते हो तो सिर्फ आप जो टॉप व्यू है वो देख सकते हो, बट अगर आप इसी को 3D के अंदर बनाओगे तो आप टॉप, बैक, फ्रंट सारी चीज़ें देख सकते हो, ओके। और उसके बाद आती है एक आइसोमेट्रिक, जो कि आपके यहाँ पे एक सेटिंग मिलती है आइसोमेट्रिक की, तो आप इसे यहाँ पे ऑन करने के बाद एक आइसोमेट्रिक ड्राइंग बना सकते हो। आइसोमेट्रिक ड्राइंग क्या होता है, तो अब यहाँ पर लाइक समथिंग हमने कोई एक लाइन बनाया जो कि एक ऐसा है, समथिंग यहाँ से ऊपर गया, ये हुआ, ऐसा हुआ, तो अब इसके बारे में आप समझो कि ये क्या है। जैसे हमारा कोई एक लाइन यहाँ से स्टार्ट हुआ तो यहाँ से चला नॉर्थ पे, मैं अभी इसको नॉर्थ मान रहा हूँ कि यहाँ से साउथ से नॉर्थ की ओर चल रहा है। इसके बाद फिर अप हुआ, अगेन सेम डायरेक्शन, अगेन डाउन एंड अगेन इधर, ठीक है। तो ये बहुत बाद की चीज़ें हैं, तो मैं ये आपको पूरी डिटेल में बताऊँगा इस चीज़ के बारे में, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।